चलिए जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जो है विटामिन्स के बारे में। जरूर इसको पूरा देख लीजिए, आपके एग्जाम में मैचिंग के करके या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा इस बीमारी के लिए कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी रिस्पॉन्सिबल है। तो फटाफट अगर आप देखेंगे तो याद हो जाएंगी। अक्सर ये चीज़ें याद तो हो जाती हैं लेकिन एग्जाम टाइम में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे विटामिन्स के बारे में। पहले तो टोटल ध्यान रखिए, अपने पास 9 हमें पढ़ने होते हैं, मतलब ए बी सी डी ई के, अब ए सी डी ई के ऐसे करके तुम ध्यान रख सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो एक एक करके हमें यह देखना है कि इन विटामिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए, या विटामिन ना बोल करके तुम इसे विटामिन भी बोल सकते हो, तो कौन सी डिजीज होती है और वो डिजीज होते क्या है। अगर वो याद रह गया हमें तो काम बन जाएगा। तो विटामिन ए, इसकी डिफिशियंसी से तो आप मतलब नॉर्मली लोगों को पता होता है कि वो अंधे हो जाएंगे। विटामिन ए की कमी से अंधे होने वाली बीमारी, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी को ही एक तरीके का नाम देते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया ये है अपने पास, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं। विटामिन बी वन की कमी से जो डिजीज होता है वो होते हैं बेरी बेरी। ये क्या चीज़ है, विटामिन बी वन, बेरी बेरी, ध्यान रख लीजिए, विटामिन बी वन से बेरी बेरी, ये होता है ऐसी डिजीज जिसमें जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। मतलब पता चला कि जिनको थोड़ा ज़्यादा लंबा होना है वो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ रुक जाए बॉडी में, विटामिन बी वन की डिजीज से होने वाली बेरी बेरी। विटामिन बी टू, देखा है कुछ लोगों की इधर मुंह के दोनों साइड में जो है ना, इधर इधर जो है थोड़ा सा कटने लग जाता है, इधर इधर थोड़ा सा कटने लग जाता है वो, यहाँ से ऐसे लगता है, वो जोकर मूवी देखा होगा ना, ऐसे फैल जा रहा होगा वो, तो वो डिजीज़ को बोलते हैं विटामिन बी टू की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं चिलोसिस, चिलोसिस हो गया उसे। और विटामिन बी सिक्स, बड़े आराम से बी टू से ऐसे ध्यान रख सकते, बी टू माउथ में दोनों साइड ऐसे इधर इधर कुछ होने लग जाए, हाँ फैलने लग जाए, थोड़ा कटने लग जाए, ऐसे लगता है जैसे कुछ इधर हो रहा हो, वो हो गए ये चिलोसिस। चिलोसिस नाम से भी कुछ समझ में आता है, वो कटेंगे इधर उधर। और विटामिन बी सिक्स की डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज है उसको बोलते हैं बी सिक्स, आप अगर नाम ही थोड़ा ध्यान से बोलिए, बी सिक्स की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज उसको बोलते हैं बेहोशी आ गया ना, बी सिक्स बेहोशी, ठीक है, बेहोश हो जाना, उसी को इंग्लिश में नाम देते हैं कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स, ठीक है। अचानक कभी कभी देखा होगा कि पता चला भीड़ भाड़ में लोग जा रहे हैं इधर उधर, ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें से कोई एक आराम से मतलब वहीं गिर गया अचानक, और थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना बॉडी का। कभी कभी क्लास में भी अगर पता चला, बहुत मतलब हो चुका है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो देखा है कि कभी कभी क्लास में बच्चे कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, उनकी बॉडी वहीं पर थोड़ा सा लूज हो जाती है, कुछ अलग तरीके के बिहेव्स हो जाते हैं, उसको बेहोशी आ जाना, उसी को बोल रहे हैं कन्वल्जन्स। विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी से, ये तो ऐसे भी ध्यान रह सकता है, इसकी डिफिशियंसी मुझे भी है, ये या तो आप नॉन वेज खाइए या फिर जो कर्ड हैं, मिल्क हैं, उसमें ये पाए जाते हैं विटामिन बी ट्वेल्व, और इनकी डिफिशियंसी हो जाए तो एक बहुत डेंजरस सी बीमारी है, परनीसियस, परनीसियस एनीमिया, इनकी डिजीज होने का खतरा रहता है, परनीसियस एनीमिया। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन बी ट्वेल्व ध्यान रखें। ए की कमी से अंधे होने वाली बीमारी, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी टू की कमी से चिलोसिस, विटामिन बी सिक्स की कमी से कन्वल्जन्स, बी ट्वेल्व हो जाए तो परनीसियस एनीमिया, इसको खाने के लिए भाई कर्ड, मिल्क या फिर नॉनवेज खाने पड़ेंगे अगर इसकी डिफिशियंसी दूर करनी तो। विटामिन सी, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है, विटामिन सी ऐसे लिख लीजिए करवी, हाँ विटामिन सी की डिजीज से होने वाले, विटामिन सी का अगर हमारे पास कमी हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, तो उससे जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी, स्कर्वी या केवल कर्वी करके आप ध्यान रख लीजिए। ये इसमें होता क्या है, वो जो दांतों के साइड ब्लीडिंग गम्स, इसको आप बोल सकते हैं कि कभी कभी देखो कुछ लोगों के ऐसे दांत देखो ना, तो नीचे जो उनके मसल्स होते हैं दांतों के नीचे, वहां से खून ब्रश करते समय अपने आप खून का गिर जाना, उसी को बोलते हैं स्कर्वी। और विटामिन डी, ये तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, एक देश जहाँ पर लोग घूमने घूमने जाना चाहते हैं, थाईलैंड और मलेशिया, तो ये मलेशिया करके इसके नाम आते हैं, इसमें जो इसकी डिफिशियंसीज होने वाली डिजीज है उसको बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया, या इसी का एक नाम और होता है रिकेट्स, बच्चों में मतलब रिकेट्स या ऑस्टियो मलेशिया, बच्चों में अगर बोन्स
पेन करने लगे, एडल्ट्स में पेन करने लगे, तो उन्हीं का नाम है ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स। आप जॉइंट में पेन में अक्सर देखा होगा, जॉइंट्स में दर्द होता है, इधर उधर दर्द होने लग जाते हैं लोगों को बोन्स में जहां पर जॉइंट्स होते हैं, वो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। पता होगा कि सनलाइट में अगर रहते हैं तो विटामिन डी जो हमारी बॉडी में होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो सनलाइट चले जाया करें थोड़ी मोड़ देर तर। विटामिन ई की डिफिशियंसी से जो होने वाला डिजीज है उसका नाम है इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ मतलब आरबीसी। इसका इंग्लिश में तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, ई फॉर इंक्रीज, पहले ध्यान रख लीजिए, ई फॉर इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी। ये जो विटामिन ई है अपने पास, ये हमें जो मस्कुलर पेन्स होते हैं ना, मस्कुलर वीकनेस, पेन्स ना बोले, मसल्स में वीकनेस आ जाना, ऐसे कुछ ऐसी डिजीज का, जैसे समझ लो कि कुछ लोगों की मसल्स तो होती हैं लेकिन उनको टच करो तो उनको कुछ सेंस नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं है उसका, तो जो हमारे पास विटामिन ई की डिजीज विटामिन ई की डिफिशियंसी होते हैं वो होता है इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी। इसी का आप सामने लिख लीजिएगा, मस्कुलर वीकनेस विटामिन ई की डिजीज, विटामिन ई की डिफिशियंसी होगा तो इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी। विटामिन के की डिफिशियंसी से होने वाले जो डिजीज का नाम है के फॉर कुत्ता ना बोल दीजिएगा, के फॉर क्लटिंग, जैसा याद रख लीजिए क्लटिंग, ऐसे तो क्लटिंग की स्पेलिंग सी से होता है, मैं इधर लिखूंगा ऐसे सी फॉर क्लटिंग जैसा लिखते हैं लेकिन के फॉर क्लटिंग। कभी कभी देखा होगा लोगों के कहीं कट जाते हैं तो खून निकलते रहते हैं, तो अपने आप खून थोड़ा वहीं पर जम जाता है, रुक जाता है, अपने आप ब्लड वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को बोल रहे हैं ब्लड क्लटिंग। जितनी जल्दी ब्लड क्लटिंग हो जाए मतलब उतनी जल्दी आपका खून का बहना रुक जाएगा अपने आप। लेकिन जिसके पास विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, अगर वहां पर थोड़ा सा कट जाएगा तो काफी देर तक ब्लड की क्लटिंग होती रहेगी, तो बोलते हैं इंक्रीज्ड द टाइम ऑफ ब्लड क्लटिंग। ब्लड क्लटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज होने लग जाता है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो बहुत सारा खून आपका निकल जाएगा। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाले ए से अंधे हो जाएंगे, ज़ेरोथैल्मिया। बी वन की डिफिशियंसी से होने वाला जो डिजीज है उसका नाम है बेरीबेरी। विटामिन बी टू की डिफिशियंसी से बी वन मतलब समझ रहे हो, बढ़ोगे नहीं छोटे रह जाओगे, उसी को बोलते हैं बेरीबेरी। बी टू की डिफिशियंसी से होने वाली चिलोसिस, इधर उधर कट जाएगा, जोकर बन जाओगे। B6 की डिफिशियंसी, अचानक बेहोशी आ गई, B6 कन्वर्जेंस बोलते हैं उसको। B12 की डिफिशियंसी होने वाले परनीशियस एनीमिया। RBC की डिफिशियंसी वाला डिजीज है परनीशियस एनीमिया। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी मतलब। विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाले वो जो दांत वांत ब्रश करते समय खून निकलना वो है स्कर्वी। विटामिन डी की ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों में जॉइंट्स में पेन होना। अगर बुढ़ों में एडल्ट्स में पेन होता है ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में होता है तो रिकेट्स बोल देते हैं। विटामिन ई की डिफिशियंसी से होने वाले इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी का अचानक जल्दी जल्दी टूट जाना, उसको बोलते हैं विटामिन ई की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज। मस्कुलर वीकनेस का आ जाना, बहुत सारी जगहों पर सुन्न हो जाना, फीलिंग ना होना, सेंसेशन लूज हो जाना। और विटामिन के की डिफिशियंसी से होने मतलब खून अगर बह रहा है तो बहता ही रहा, तो उसी को बोल देते हैं इंक्रीज्ड ब्लड क्लटिंग टाइम अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है। तो ये सारे विटामिन हो गए, नाम तो आपने पहले ही याद कर लिया होगा, ABCDEK ऐसे करके, हाँ ABCDEK करके या ABCDEK करके आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत तरीके से याद रख सकते हैं। कि इसको लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अबे चलते हैं देखने एक मूवी, ऐसे भी करके बोल सकते हो, या अबे चलते हैं देखने, कुछ भी करके आप ध्यान रख लीजिए। यही हमें 9 विटामिन याद रखने हैं, इनकी डिफिशियंसी याद रखने लिए अच्छे से आप अगर कनेक्शन बना के याद रखेंगे तो एग्जाम में भी याद आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए ऐसे ही कुछ आपके लिए। इसमें कोई अलग से शॉर्टकट नहीं था लेकिन इनके नाम से ही वो बीमारी याद हो जाती है, ठीक, जैसे विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, या फिर ऑस्टियोमलेशिया, देश घूमने जाना है, विटामिन डी, डी से देश, देश से मलेशिया पहुंच जाइए आप, और विटामिन ई से इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी, इसका नाम बड़ा डेंजरस है इसलिए उसको ध्यान रख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा। और विटामिन के वाला इंक्रीज ब्लड क्लटिंग टाइम, मतलब ब्लड जल्दी से इकट्ठा नहीं होगा, खून बहता ही रहेगा बहुत देर तक, वो हो गए अपने पास। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, आज वीडियो अच्छे लगे हों तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हम लोगों का भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहना चाहिए ना, ठीक है, पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम में आप फोड़ दीजिए बिल्कुल जो इतनी मेहनत किया है। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, रखो यार तुम।